नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं पांच दरिया न्यूज। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे ज्ञान वापी पर चल रहे गरम मुद्दे की। ये पूरा मामला अयोध्या से मिलता जुलता है। फर्क सिर्फ इतना है कि अयोध्या के मामले में मस्जिद बनी थी, जबकि वाराणसी में मंदिर और मस्जिद दोनों ही बने हुए हैं। काशी विवाद पर हिंदू पक्ष का कहना है कि 1959 में औरंगजेब ने यहाँ मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाई थी। वहीं मुस्लिम पक्ष का दावा है कि यहाँ कभी मंदिर था ही नहीं, बल्कि शुरुआत से ही मस्जिद थी। अब आपको बताते हैं कि आखिरकार ये विवाद शुरू हुआ कैसे। 5 अगस्त 2021 को कुछ महिलाओं ने वाराणसी को लेकर कोर्ट में एक याचिका लगाई थी, जिसमें उन्होंने ज्ञान वापी मस्जिद परिसर में स्थित श्रृंगार गौरी मंदिर समेत कई विग्रहों में पूजा करने की अनुमति देने और सर्वे कराने की मांग की थी। इसी याचिका पर कोर्ट ने यहां सर्वे कराने की अनुमति दी। हालांकि जब टीम सर्वे कराने के लिए पहुंची, तो वहां मुस्लिम पक्ष के लोगों ने उन्हें मस्जिद में वीडियोग्राफी करने से रोक दिया, जिसके बाद मामला काफी बढ़ता चला गया। इस मामले पर 8 से 12 घंटे तक कोर्ट ने सर्वे की मांग की। आपको बता दें कि जुम्मे की नमाज के बीच शुक्रवार को ज्ञान वापी मस्जिद मामले में मुस्लिम पक्ष की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान दोनों पक्ष की दलीलों को सुनने के बाद कोर्ट ने इस मामले को जिला अदालत के पास भेज दिया। इस मामले में अब वाराणसी की जिला अदालत में सुनवाई होगी। वहीं हिंदू पक्ष के सर्वे रिपोर्ट की बात करें तो इस रिपोर्ट को कोर्ट कमिश्नर विशाल सिंह ने तैयार किया था, जिसमें ज्ञान वापी मस्जिद में 12 फीट ऊंची शिवलिंग मिलने की बात कही गई थी। यही नहीं, इन सब के बीच कुछ तस्वीरें भी सामने आई, जिसमें शिवलिंग, त्रिशूल, डमरू, कमल के चिन्ह मिलने का दावा किया गया। यही नहीं, सनातन संस्कृति से जुड़ी कई कलाकृतियां भी देखने को मिली। अब ऐसे में सवाल ये किया जा रहा है, क्या यही सबूत है कि ये शिवलिंग है और मंदिर है? आप यहाँ इस वीडियो में इन तस्वीरों को देख सकते हैं, जिन्हें ज्ञान वापी में मंदिर होने का एक एक सबूत माना जा रहा है। इन तस्वीरों को देखकर साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि यहाँ शिवलिंग भी है और देवी देवताओं की गतिविधियों से जुड़ी आकृतियां भी हैं। फव्वारा है तो फव्वारे में पानी कहाँ से जाता था? कितना पुराना फव्वारा है? तो कह रहे हैं 50 साल पुराना है। अरे 50 साल में तुम एक फव्वारे को ठीक नहीं करा सके, तो तुम बाकी को क्या ठीक कराओगे? ये इस तरीके की झूठी कवायद। फव्वारा है तो उसमें पानी कहाँ से आता है, कहाँ जाता है, और बगैर मोटर के औरंगजेब के बाप ने कौन सी टेक्नोलॉजी पैदा कर ली थी फव्वारा चलाने की? और ये दुनिया का पहला फव्वारा है जो जल स्तर से 2 फीट नीचे है। सभी फव्वारे जल स्तर से 3 फीट 4 फीट ऊपर होते हैं, ये 2 फीट नीचे है। तो इस तरीके के झूठ और मक्कारी के बयानों पर बहुत ध्यान नहीं दिया जाना चाहिए। लेकिन मुस्लिम पक्ष की बात करें तो मुस्लिम पक्ष इस बात को मानने से साफ इनकार कर रहा है। इनका मानना है कि ज्ञान वापी में मिले शिवलिंग का भगवान शिव से कोई लेना देना नहीं है, ये सिर्फ एक फव्वारा है। लेकिन अब आप इस वीडियो को देखने के बाद ये सोचने में मजबूर हो जाएंगे कि आखिरकार ये फव्वारा कैसे हो सकता है। अब ज्ञान वापी परिसर में तालाब के अंदर फव्वारा मिला है या शिवलिंग मिला है, इसका फैसला तो फिलहाल कोर्ट ही करेगा। मुस्लिम पक्ष का कहना है कि ये फव्वारा है और हिंदू पक्ष का कहना है कि ये शिवलिंग है, जिसके लिए कई दलीलें दी जा रही हैं और कई आपत्तियां जताई जा रही हैं। इस पूरे मामले पर अब 23 तारीख को कोर्ट में सुनवाई होगी। लेकिन अब अंत में मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि इस पूरे मामले पर आपका क्या कहना है। इसी के साथ देखते रहिए पांच दरिया न्यूज़।